हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 लेसन 6 ए गुड सिटीजन इसके पूरे हिंदी में अनुवाद को अर्थ को अच्छे से समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसकी वर्ड मीनिंग को कॉपी पे नोट किया था। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। इसमें एक गुड सिटीजन, गुड मीन्स होता है अच्छा, सिटीजन मीन्स होता है नागरिक, एक अच्छा नागरिक। इस पूरे स्टोरी में, पूरे लेसन में एक अच्छे नागरिक के गुण के विषय में बताया गया है एक कहानी के माध्यम से। आइए उस कहानी को हम लोग अच्छे से समझते हैं। रचनाज अंकल एंड आंट लिव्ड इन अ मैसूर। रचना के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। रचना एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वैकेशन विथ देम। रचना और उसके माता पिता उनके साथ, किनके साथ, उनके चाचा चाची के साथ अपनी गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए गए थे। They were all excited as they were going to visit Vrindavan Garden. They were all excited. वे सभी उत्तेजित थे, उत्साहित थे, as they were going to visit the Vrindavan Garden, क्योंकि वे वृंदावन गार्डन घूमने जा रहे थे। On the way, her aunt told them that about 2 million टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। रास्ते में उसकी चाची उन लोगों से बोली कि लगभग 20 लाख, 2 मिलियन मतलब 20 लाख पर्यटक प्रत्येक साल वृंदावन गार्डन को घूमने आते हैं। रचना से, रचना कहती है आंट इट्स गोइंग टू बी फन, चाची वहाँ जाने में बहुत मजा आएगा, ऐसा रचना कहती है। एज दे एंटर्ड गार्डन, जैसे ही वे गार्डन में प्रवेश किए, रचना एक्सक्लेम्ड, रचना आश्चर्य से बोली व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितना सुंदर फूल, एंड फाउंटेन्स आर दीज, और ये फवारे हैं। रचना आश्चर्य से बोलती है कि वाह कितने सुंदर ये फूल और फाउंटेन हैं। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने लिए एक बुके, एक गुलदस्ता बनाना चाहिए। द मोमेंट, उसी समय, उसी क्षण, सी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, उसी क्षण वह उनमें से एक फूल को तोड़ने की कोशिश की। हर आंट स्टॉप्ड हर, उसकी चाची ने उसे रोका, एंड सेड, और कहा डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग ए राउंड ऑफ द होल गार्डन, पूरे गार्डन का एक चक्कर लगाने के बाद, दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स, स्नैक्स मीन्स होता है स्नैक्स या नाश्ता। दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स, वे नाश्ता के लिए बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसाज, सैंडविचेज एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। आंटी मतलब रचना की चाची सभी के लिए पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फलों को लाई थी। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर दी बेंच। रचना अपने नाश्ते को ख़त्म किया एंड थ्रू हर प्लेट्स, और अपने प्लेट और ग्लास को बेंच के नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, उसकी चाची उनसे विनम्रतापूर्वक, उसकी चाची उससे विनम्रतापूर्वक पूछी Do you throw the wastes under your study table or sofa at home? क्या तुम घर पर भी अपने स्टडी टेबल और सोफा के नीचे कचरे को फेंक देती हो? जो रचना की चाची है उनसे पूछती हैं रचना। It is our duty to keep our surroundings. रचना, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने our surroundings, अपने आस पड़ोस या अपने चारों तरफ के वातावरण को, पब्लिक प्लेसेज, सार्वजनिक स्थानों को, लाइक जैसे रोड्स, सड़क, पार्क्स, पार्क, स्कूल्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स इटीसी इत्यादि, क्लीन, स्वच्छ रखें। रचना की चाची उसे समझाती हैं कि रचना, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने चारों तरफ के वातावरण को, सार्वजनिक स्थानों को जैसे सड़क, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल इत्यादि को स्वच्छ रखें। कीप मतलब होता है रखना, क्लीन मीन्स होता है स्वच्छ। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। हम लोगों को पूरे देश को अपने घर की तरह समझना चाहिए या मानना चाहिए। ट्रीट मीन्स होता है मानना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए। रचना क्विकली अंडरस्टूड, रचना जल्दी ही समझ जाती
है, मतलब जल्दी ही वह समझ गई, क्विकली मतलब जल्द ही अंडरस्टूड मतलब समझ गई, एंड कलेक्टेड द वेस्ट्स और कचरों को इकट्ठा किया, एंड थ्रो और फेंक दिया देम इन अ डस्टबिन और उन्हें फेंक दिया डस्टबिन में, मतलब उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया, किनको, कचरों को। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स, नाश्ता करने के बाद दे मूव्ड टुवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन्स, वे मतलब वे सब जो घूमने गए थे वे संगीत में फव्वारे की तरफ गए। म्यूजिकल फाउंटेन्स मीन्स होता है संगीत में फव्वारा, म्यूजिकल मीन्स होता है संगीत में, माउंटेन्स मीन्स होता है फव्वारा। वेयर दे इंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, जहाँ पर वे लाइट और साउंड शो को, ध्वनि प्रदर्शन को एंजॉय किए, आनंद लिए, मतलब वहाँ पर जो लाइटिंग लगी हुई थी और जो वहाँ पर आवाज़ आ रही थी संगीत में, जो आवाज़ें थी वो और प्रदर्शन था उसको वो लोग आनंद लिए, एंजॉय किए। When they moved out, जब वे बाहर मुड़े या बाहर गए, देसा उन्होंने देखा कि an old man tripped, एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाया, एंड फेल डाउन और गिर गया, हर आंट रैन उसकी चाची दौड़ी, एंड हेल्प द ओल्ड मैन और बूढ़े आदमी की सहायता किया, वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग, जबकि अन्य लोग अभी भी सोच रहे थे कि व्हाट कुड बी डन, क्या किया जाए, द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, बूढ़ा आदमी उनकी उनके दयालुतापूर्वक कार्य के लिए उनका धन्यवाद दिया, मतलब रचना की चाची बूढ़े आदमी की सहायता की इसलिए बूढ़ा आदमी उनका धन्यवाद किया। ऑन हर वे बैक, रास्ते में वापस लौटते समय रचना आस्क्ड हर आंट, रचना ने अपने चाची से पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या आप बूढ़े आदमी को जानती थी, वोम यू हेल्प्ड, जिसकी आपने सहायता किया, हर आंट रिप्लाइड, उसकी चाची ने उत्तर दिया, नो रचना, नहीं रचना, आई डिड नॉट, मतलब मैं नहीं जानती थी, बट लेकिन, आई हेल्प्ड हिम, लेकिन मैंने उसकी सहायता की, बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वह मुसीबत में था, परेशानी में था। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल, हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो मुसीबत में हो या जो परेशानी में हो। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमें अपने आसपास के, हमें अपने चारों तरफ के लोगों की उसी तरह देखभाल करनी चाहिए जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों की करते हैं, मतलब जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं वैसे ही हमको अपने आसपास के लोगों की भी मदद करनी चाहिए, मुसीबत में उनकी सहायता करनी चाहिए। इन दिस वे, इस तरह से वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इस तरह से हम एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। इसमें रचना की जो चाची हैं वो तीन गुण के विषय में इसमें डिस्कस किया है, एक अच्छे नागरिक के तीन गुण को बताया है। पहला तो हमें पेड़ पौधे या फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, दूसरा कचरे को या गंदगी को नहीं फैलाना चाहिए, हमें अपने आसपास और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए, और तीसरा मुसीबत में जो लोग हों उनकी हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अन्य चैप्टर्स के वीडियो आते रहेंगे, सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर सारे इस चैनल पर अवेलेबल होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपडेट करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप टीचर हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें, अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।